अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। आतंक को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में एक पोस्टर ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। पोस्टर से साफ हुआ है कि भारत की उरी में हुए आतंकी हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा है। गुजरांवाला में एक पोस्टर लगा है जिसमें घोषणा की गई है कि लश्कर ए तैयबा उरी हमले में मारे गए 4 आतंकियों में से एक की अंतिम यात्रा निकालेगी। आतंकी की अनुपस्थिति में ये यात्रा निकलेगी। आपको बता दें कि उरी हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद भारतीय सेना से पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और लगातार नाकामयाब होती घुसपैठ की कोशिशों से बौखलाया पाकिस्तान एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से रोज नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान न सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है, बल्कि सीमांत इलाकों के रिहायशी क्षेत्रों पर भी गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से आज भी एलओसी पर गोलीबारी की गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से एलओसी से सटे नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई है। उत्तरी दिल्ली के नया बाजार इलाके में विस्फोट होने की खबर है। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक जूट के बैग में पटाखे लेकर जाते समय आग लग गई, जिसके बाद हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के कारण का अब भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचकर नमूने एकत्र करने में जुटे हुए हैं। यूपी में समाजवादी परिवार में बीते कई दिनों से मचे घमासान, फिलहाल सुलह के कुछ संकेत दिखने लगे हैं। बता दें कि सोमवार शाम तक शिवपाल अखिलेश के बीच जारी कलह को लेकर कोई समाधान नहीं दिखाया था। अब ऐसी खबर है कि अखिलेश यादव ने जिन 4 मंत्रियों को बर्खास्त किया था, अब उनकी वापसी हो सकती है। सपा प्रमुख की बैठक में घमासान के बाद प्रदेश सपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी और मुलायम परिवार में सब कुछ ठीक है, मैं नेताजी के साथ हूं, वो जो भी निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। सपा के संग्राम के बीच रामगोपाल यादव ने एक बयान देकर नई चिंगारी को हवा दे दी है। रामगोपाल ने कहा कि सपा की पहचान गुंडा पार्टी की थी, अखिलेश ने इस पहचान को बदला, उनके बिना सपा नहीं है। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि नेताजी अखिलेश के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने कभी अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग अखिलेश की कामयाबी से जलते हैं। इसे पूर्व पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित रामगोपाल यादव ने 2 टूक में कहा कि वो मुलायम से नहीं मिलेंगे और वे अखिलेश यादव के लिए कुछ भी करेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता अमर सिंह ने उन आरोपों से इनकार किया कि वे पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक शानदार मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें जन नेता बनने में समय चाहिए। पहली बार शासन संभालने वाले व्यक्ति के तौर पर विकास पर उनका ध्यान, विकास का उनका एजेंडा बेहतरीन है। सिंह ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जन नेता नहीं है, लेकिन जन नेता बनने में समय लगता है। वही रामगोपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कह रहा हूं कि वो एक नपुंसक है। कर्ज में डूबे और देश से फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को आदेश दिया है कि वह 4 सप्ताह के अंदर अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे। उन्हें अपनी विदेश में बनी संपत्तियों का भी ब्यौरा देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो ये भी बताए कि उन्होंने डियागो से मिले $40 मिलियन का क्या किया। बता दें कि विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ बकाया है। उन्होंने किंग फिशर एयरलाइंस के लिए बैंकों से कर्ज लिया था, लेकिन एयरलाइंस 2012 में बंद हो गई। भारत में अमेरिकी राजदूत की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर चीन ने एतराज जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लुकांग ने अमेरिका को भारत चीन सीमा विवाद में हस्तक्षेप करने से दूरी बनाने की सलाह दी। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन पुरजोर तरीके से यात्रा के खिलाफ है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के निमंत्रण पर अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा 22 अक्टूबर को वहां गए थे। रिचर्ड की उस यात्रा का उल्लेख करते हुए लू ने कहा कि अमेरिकी राजदूत ने एक विवादित क्षेत्र का दौरा किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। इस इलाके में भारतीय नेताओं, विदेशी अधिकारियों तथा दलाई लामा की यात्रा का नियमित विरोध करता है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हुए आतंकी हमले में 27 कैडेट्स की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए हैं। घायलों में आर्मी का कप्तान भी शामिल है। कई घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पाक अधिकारियों के अनुसार ये हमला कल रात तकरीबन 9:30 पर हुआ। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान लगभग 500 कैडेट सेंटर में थे, जिनमें से 200 कैडेटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे लश्कर ए झांगवी के होने का शक है। गृह मंत्रालय ने कहा कि हमले के 20 मिनट बाद ही पुलिस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया और 5 घंटे तक चले मुठभेड़ में सभी तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ सुबह 4 बजे जाकर खत्म हुआ। पाकिस्तान सरकार ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 5100 संदिग्ध आतंकियों का बैंक खाता जब्त किया है। इन खातों में 40 करोड़ से अधिक पाकिस्तानी रुपए जमा होने का अनुमान है। आतंकी मसूद अजहर पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की सुरक्षात्मक निगरानी में है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद मसूद अजहर समेत सभी संदिग्ध आतंकियों का बैंक खाता जब्त किया गया है। अधिकारी ने बताया कि उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से संदिग्ध आतंकियों की 3 सूचियां सौंपी गई, जिसमें कुछ प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के हजारों आतंकियों का नाम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आतंकरोधी अधिनियम 1997 के तहत सूचीबद्ध ए श्रेणी के 1200 आतंकियों का खाता जब्त किया है। इस श्रेणी में आतंकी मसूद अजहर का नाम भी दर्ज था। पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने पुष्टि की है कि 5000 से अधिक आतंकियों के खाते सील किए गए हैं। बैंकों का कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले केवल 97 व्यक्तियों पर ही 85,000 करोड़ रुपए का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज लेने वाले और उसे नहीं लौटाने वालों के बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखने के बाद ये बात कही। साथ ही केंद्रीय बैंक से पूछा कि आखिर क्यों ना ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएं। पीठ ने कहा कि अगर लोग आरटीआई के जरिए सवाल पूछते हैं तो उन्हें जानना चाहिए कि आखिर कर्ज नहीं लौटाने वाले कौन हैं। उसने रिजर्व बैंक से पूछा कि आखिर ऐसे लोगों के बारे में सूचना क्यों रोकी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति ने कितना कर्ज लिया और उसे कितना लौटाना है। इस तरह की राशि के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। रिजर्व बैंक की तरफ से पेश अधिवक्ता ने इस सुझाव का विरोध किया और कहा कि कर्ज नहीं लौटा पाने वाले सभी कर्जदार जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार वे बैंकों के हितों में काम कर रहा है और कानून के मुताबिक कर्ज नहीं लौटाने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। देश की राजधानी में 64 पक्षियों की मौत ने बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा दिया है। 7 मरे हुए पक्षियों में वायरस पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली सरकार ने चिकन और अंडों पर एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में अतपका चिकन और अंडे ना खाने की हिदायत दी गई है। अब तक चिकन के सेफ होने के दावे करने वाली दिल्ली सरकार अब संभल कर चिकन खाने की अपील कर रही है। मंत्री गोपाल राय ने एक एडवाइजरी जारी करके चिकन और अंडा खाने में एहतियात बरतने की बात कही है। देश के बड़े बिजनेस घराने टाटा सन्स ने अपने चेयरमैन साइरस मिस्त्री को हटा दिया है। रतन टाटा की बतौर अंतरिम चेयरमैन वापसी हुई है। टाटा सन्स टाटा समूह की कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। ये कंपनियां नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाती है। सूत्रों के मुताबिक साइरस मिस्त्री ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। मिस्त्री बॉम्बे हाई कोर्ट में टाटा सन्स के इस फैसले को चुनौती देंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक टाटा ग्रुप ने भी इस मामले में कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस बाबत ग्रुप ने कई वरिष्ठ वकीलों से बातचीत की है। बोर्ड ने रतन टाटा को टाटा सन्स का अंतरिम चेयरमैन नामित किया है। बोर्ड ने नया चेयरमैन खोजने के लिए एक चयन समिति बनाई है। समिति में रतन टाटा के अलावा वेणु श्रीनिवासन, अमित चंद्रा, रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य होंगे। समिति को 4 महीने में अपना काम पूरा करना होगा। बंगाल की खाड़ी में बना वेदर सिस्टम ताकतवर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, लेकिन यह अपनी जगह पर और ज्यादा ताकतवर होता चला जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में ये वेदर सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का विकराल रूप धारण कर लेगा।
अभी तक डीप डिप्रेशन पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व दिशा में तकरीबन 550 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस समय इस वेदर सिस्टम के अंदर 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं उमड़ घुमड़ रही है। वेदर राडार और उपग्रह से मिल रही जानकारी के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वेदर सिस्टम 25 तारीख को सुबह के वक्त चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। साइक्लोन सेंटर के मुताबिक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। 27 अक्टूबर से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तटीय इलाकों में 55 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।